नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आज दरभंगा पुलिस के लिए बड़ा दिन था। कहीं ना कहीं आपको बता दें सिटी एसपी योगेंद्र कुमार अभी प्रभार में है, खासकर एसएसपी बाबूराम अभी इस वक्त बीमार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि डीएसपी जो थे अनुज कुमार वो भी वहां मौजूद थे दरभंगा स्टेशन परिसर के अंदर। जो कहीं बहुत बड़ी गैंगवार की जो घटना हुई है वो बहुत बड़े घटना में यहां परिवर्तित हो सकती थी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस वक्त स्टेशन पर लोगों की भीड़ बहुत कम है। अगर लोगों की भीड़ होती तो बहुत बड़ा दुर्घटना वहां पर घटने जा रहा था, क्योंकि जो गैंगवार हुई इसमें काफी 20 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही थी। आपको पूरा मामला बता दें, देख सकते हैं ये इन अपराधियों को आज पेशी किया जा रहा है। यहां पर प्रेस, यहां पर मीडिया को बुलाया गया है, प्रेस वार्ता किया जा रहा है। सिटी एसपी अपने एसएसपी कार्यालय यहां पर है, उसमें यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर 31/7/2020 को करीब 7:45 में संध्या में गुप्त सूचना मिली कि नाका नंबर 5 पर अपराधकर्मियों के द्वारा अपने अपने हाथ में अग्निशस्त्र से लैस होकर खून खराब करने के लिए शास्त्री चौक की ओर जा रहे हैं। इसका सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु दरभंगा पुलिस द्वारा शास्त्री चौक पर घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस टीम पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया गया। तथा पुलिस टीम के द्वारा बार बार सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा सरेंडर नहीं किया गया। तथा अपराध कर्मियों लगातार फायरिंग करते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन की ओर भागे। दरभंगा पुलिस ने सूझबूझ से उक्त अपराध कर्मियों पर कुछ फायरिंग की, जिसके उपरांत आपको बता दें कि दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल भी लगी। दरभंगा पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों एक रोशन कुमार पिता मोती झा साहगंज दिघी थाना नगर, सौरभ कुमार पिता संजय श्रीवास्तव भौजागंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा पकड़ा गया। तथा इसके निशानदेही पर की गई तदुपरांत उक्त टीम के द्वारा छापेमारी में आपको बता दें कि यहां पर बहुत बड़ी फिर से जो गिरफ्तारी हुई है आपको संलिप्त अपराध कर्मियों, एक फैबाद उर्फ जी साहेब, दूसरा फैजान नासिर उर्फ गोलू, दोनों पिता मोहम्मद एन एच नासिर, मोबाइल नंबर 5 कोतवाली चौक थाना नगर जिला दरभंगा। आपको बता दें तीसरा रवि पूर्व पिता गणेश पूर्व सर बलहा थाना केवटी जिला दरभंगा, वर्तमान पता कटलवारी थाना। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से जब्त पिस्टल, देख सकते हैं सभी यहां पर जो अपराध कर्मी है यहां पर मौजूद हैं। उक्त यहां पर सीटीएसपी योगेंद्र कुमार और डीएसपी अनुज कुमार तैयार हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से जब्त पिस्टल एवं कारतूस के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। गिरफ्तारी सभी अपराध कर्मियों पूर्व में जेल जा चुके हैं तथा संबंधित थाना से आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। छापामारी अभियान में शामिल पुलिस कर्मियों को पदाधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, ऐसा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है। चलिए अब खुद सिटी एसपी योगेंद्र कुमार से हम जानते हैं और सुनते हैं कि आज और इन लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर कितनी बड़ी जो पुलिस की टीम के लिए उपलब्धि है वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्या कहा, देख सकते हैं यही है वो पिस्टल और यहाँ पर देख सकते हैं कारतूस जो रखा गया अंदर में, कम से कम कैश भी यहाँ पर बरामद किया गया है जो लगभग 1.5 लाख के करीब था। 1.5 लाख रुपये कैश बरामद करना एक बड़ी रकम है। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हम लोगों को शाम को कल सूचना मिली थी कि शास्त्री चौक एक जगह है, वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और संभवतः वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत मैंने एसडीपीओ सदत के नेतृत्व में एक टीम वहाँ तुरंत रवाना की, जिसमें कि टाउन थाना अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी थाना कोतवाली और हमारी जो टेक्निकल सेल की जो टीम थी वो एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में वहाँ पर गई। हमारी टीम ने वहाँ पर घेरेबंदी की इन अपराधियों की और इन अपराधियों को ये बताया भी कि वो लोग सरेंडर कर दें, लेकिन ये अपराधी लोग हथियार लहराने लगे और पुलिस को वहाँ पे आता देख इन लोग ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आड़ लेके जवाबी प्रतिरक्षा में फायरिंग की, लेकिन ये अपराधी रुके नहीं, इन्होंने अपनी सारी गोलियाँ वहाँ जब समाप्त कर दी उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा, तो कुछ दूर बाद जाके प्लेटफॉर्म के पास में उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया, उनकी तलाशी ली गई। एक के पास से एक लोडेड पिस्टल मिला और दूसरे के पास से भी एक पिस्टल मिला जिसे जब्त किया गया है। इनके कुछ और साथी थे वहाँ पे, वो लोग भी हथियारों के साथी थे, लेकिन वो अंधेरा देख के भागने में वहाँ से सफल रहे। थाने पे ले जाकर के इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों ही अपराधियों ने बताया कि इनमें से एक अपराधी ऑलरेडी जेल जाके आ चुका है, उसका अपराधी का इतिहास है। पूछताछ में इन्होंने अपने और साथियों के नाम बताए तो हमारी टीम ने रात भर लगातार छापेमारी की, उसके बाद 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। दोनों अपराधियों के पास से 1,26,000 रुपये कैश बरामद हुआ है।
पूछताछ में पता चला है कि इनके ग्रुप का एक सरगना है जिसका नाम है फैजान नसीर उर्फ गोलू। इसी ने कुछ दिन पहले ये बाकी लोगों को हथियार दिए थे और उसी के एवज में उसने पैसे लिए थे जो उसके घर पर रखे थे, जिसे जब्त किया गया है। और यही जो गोलू नाम का अपराधी है, ये पहले भी जेल जा चुका है एक शराब के केस में। ये इस पूरे गैंग को संचालित करता है, हथियार देना, उनसे पैसे लेना और काम देना इसी का काम है। तो इस प्रकार से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी, 2 हथियार की बरामदगी हुई है। तो पुलिस ने सही समय पे एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया इसमें। सर, ये जो अपराधी थे, आए हुए थे, किस उद्देश्य से आए थे, किस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आए? देखिए, पूछताछ में हम लोग को ये पता चला है कि इन्हीं के गैंग के कुछ लोग हैं जिनसे कि इनका मनमुटाव चल रहा था और 2-3 दिन पहले इनकी उनसे कहा सुनी हुई थी। उसी के बाद ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और छानबीन में ऐसा पता चल रहा है कि ये बदले की भावना से वहाँ गए थे और उनके साथ मारपीट या गोली चलाने की भी घटना ये लोग कर सकते थे। बाकी इस सिलसिले में हम लोग अभी और पूछताछ कर रहे हैं और आगे जैसे अनुसंधान में चीज़ें आएंगी तो हम लोग इनके बाकी जो साथी हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? टोटल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं जिसमें से 2 का आपराधिक इतिहास पाया गया है। उसमें से एक आदमी बहादुरपुर के एक थाना में शराब जब्त हुई थी भारी मात्रा में, तो ये उसमें नामजद है। और एक दूसरा जो अपराधी है, रोशन कुमार, वो सदर थाने के एक मारपीट के केस में ऑलरेडी जेल होके आया है।